हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि पता है अभी अभी जो है वो फिफ्थ फेज का भी नोटिस आ चुका है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ग्रुप डी का जो पेपर है वो आपका 17 अगस्त से पेपर स्टार्ट होकर के पूरा का पूरा 11 अक्टूबर तक चलता है। तो देखिए, अगस्त का 15 दिन, सितंबर का एक महीना यहाँ पे, उसके बाद अक्टूबर का 10 दिन। तो लगभग आप मान के चल सकते हो कि 2 महीने के आसपास पूरा का पूरा पेपर जो है वो चलता है, ठीक है। और अब सवाल उठता है कि भाई आंसर की जो है वो कब तक जारी हो सकता है। साथियों, आपने प्रीवियस अगर रेलवे का कोई भी पेपर दिया होगा, चाहे एनटीपीसी का या फिर प्रीवियस ग्रुप डी का या फिर एलपी टेक्नीशियन का, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आंसर की जो है वो आपका 15 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाता है। मैक्सिमम यही संभावना है दोस्तों कि 15 दिनों के भीतर आंसर की जो है वो आपका जारी कर दिया जाता है। ऑलरेडी जितना भी पेपर सेट होता है पहले से, उसका आंसर की भी पहले से सेट होता है, बट केवल यहाँ पे आपने जो उत्तर दिया है और रेलवे के पास में जो आंसर की है उसको मैच करना होता है और फिर से एक बार अपलोड कर देना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ये लोग टाइम नहीं लेते हैं दोस्तों, इसके लिए मुश्किल से मुश्किल जो है वो 10 से 12 दिनों का टाइम लेते हैं। और ऐसी स्थिति में जब आपका आंसर की है वो अक्टूबर के लास्ट वीक के अंदर जो है वो आपका जारी हो जाएगा। देखिए, 11 अक्टूबर को आपका यहाँ पर पेपर समाप्त होने वाला है दोस्तों। अब अगर आंसर की बात करें तो आंसर की जो है वो आप मान के चल सकते हो कि 25 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में, 25 से लेकर के 30 के बीच में आपका जो है, ये निश्चित रहो दोस्तों कि यहाँ पे आपका जारी हो जाएगा। वहीं अगर बात करें रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, तो रिज़ल्ट के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है दोस्तों। अक्टूबर के मंथ तक आपका ये पूरा का पूरा आंसर की जारी होगा, ऑब्जेक्शन रेज होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट जो है वो फाइनली फिजिकल के लिए जारी होगा, पीटी के लिए जारी होगा, ठीक है। जो कि संभावना बन रही है कि नवंबर के सेकेंड वीक के अंदर ये भी जारी आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर आपका फिजिकल होगा दोस्तों, जो कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाना तय है। तो इसके लिए आप श्योर हो कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका फिजिकल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी साथियों, इसके रिगार्डिंग कोई सा भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं आपको यहाँ पर सूचित कर दूँगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।